सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो तुम? बढ़िया हो गए? मैं एकदम बढ़िया। तो मेरी खुशी का जो है आज ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत महीने से मैं प्लान कर यार नहा के जस्ट तुम्हारा भाई निकला है ना एक मोटर को, थोड़े बहुत तो ठीक लगने लायक बाल कर लेने दो। हाँ फिलहाल इतने से ही काम चलाओ। तो बहुत टाइम से तुम्हारा भाई कर रहा था प्लान एक लैपटॉप लेने का। फाइनली आज जा रहे हैं हम अपना नया ब्रांड न्यू गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए। और कौन सा लैपटॉप होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये सब सीधा पहुँचते हैं अभी हम जहाँ जाना है वहाँ पे, और आपको बताएंगे एट दी एंड नहीं मतलब टाइम के साथ बताएंगे सब कुछ क्या है कैसा है। एंड फाइनली हो रहा है। मैं बहुत टाइम से जिस प्लान कर रहा था, प्रशांत है उसको पता होगा, उसको तो इतना खाया है मैंने उस बंदे को। अगर मैं आपको अपना चैट दिखाऊँ ना, कम से कम 500 लैपटॉप के डाटा स्पेक्स स्पेसिफिकेशंस और अलग अलग चीज़ें शेयर करके, यार ये बढ़िया रहेगा वो बढ़िया रहेगा, चैट GPT जेमिनी सबको ड्रोन डाला कि ये बेटर है कि वो बेटर है क्या नहीं है। तो फाइनली तो अभी जा रहे हैं हम नेहरू प्लेस, साउथ दिल्ली का इकलौता टेक्निकल मार्केट जो है वहाँ जाएंगे। और वहाँ पे है एक शोरूम जहाँ से हमें चीज़ें लेनी है, वो लैपटॉप लेनी है बेसिकली। तो वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। पता है मैं बता नहीं सकता, मेरे को सपने आते थे जब से मैंने कुछ सोचा ना, कुछ प्लान किया है, तब से मेरे को सपने आते थे इस चीज़ के। मैं रात को सो रहा हूँ, मैं नींद में भाई बढ़िया गेमिंग लैपटॉप लेके आया हूँ, खरीदा हूँ, सुबह उठता हूँ लैपटॉप, वो सपना था। तो फाइनली अभी वो सपना सच होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा कह सकते हो आप ओवर एंथुजियास्ट बच्चा हूँ जो ओवर एक्साइटेड हो जाता है चीज़ों को लेके। कुछ सोच लिया ना तो फिर वही सोचता है, तो गुदगुदी होने लगती है मन में, वही के सपने आने लगते हैं। तो ऐसा सा सीन है। तो फिलहाल चलते हैं और लेके आते हैं अपना लैपटॉप, आइए देखते हैं चल मजा आएगा। तो गाइस फाइनली मैं, मेरा कैमरामैन और रूबी दी साथ में जा रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए। इसमें रूबी दी का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी लेके जा रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को साथ रखना चाहिए ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो, इसलिए रूबी दी को लेके जा रहे हैं। बुजुर्ग तो नहीं, हमसे बड़ी तो है ना एटलीस्ट, इसीलिए। लास्ट टाइम जब हम आए थे दी के काम से तो ये पूरी पार्किंग भरी हुई थी, कुछ नहीं था, इतना गंदा भरा हुआ था, मतलब मेरे को पार्क करने में ना 20 मिनट लगे होंगे कम से कम, इतनी भीड़। और आज पूरा खाली पड़ा है। फाइनली फोन कर रहा हूँ, तो फाइनली आ गए। इतना खाली मार्केट, दुकानें बंद है, मोस्टली यहाँ पे ऑफिस इस चक्कर में बंद रहता है। तो फाइनली वी रीच्ड। इधर तो हमेशा ही भीड़ लगी रहती है लाइन के, ऐसे डिस्काउंट चल रहा हो किसी चीज़ का। चलते गाइस आपको भी दिखाते हैं, फर्स्ट आप बोर्ड देखो, उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या लेने वाले हम। आपको बोर्ड तो दिखी क्या होगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, आसूस ROG या फिर टफ ले लेंगे, दोनों में से कोई एक। सो लेट्स गो गाइस, फाइनली वी फाइनलाइज्ड आवर लैपटॉप। पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा आसूस, इधर देख लो, वो बैनर दिखा ROG, बट हम ROG नहीं ले रहे हैं, हम टफ गेमिंग ले रहे हैं। यहाँ आ गया ना एक चीज़ मेरे को दिखी, इधर बहुत जोर से मन कर गया, वो बचपन का है कि वो अंदर ना, वो क्या कहते हैं उसको, बच्चा छुपा हुआ है जो उसको बस चाहिए ऐसा, वो तो था ऐसा दबाव तो पानी में ऐसे टपक इतना एक्स्ट्रा एंथुसियास्ट होके मैं आया था, सीन हो गया जो मॉडल में कुछ अवेलेबल ही नहीं है वगैरह, कल डिलीवर होगा, वो हो नहीं रहा है। आइचा गो, इसने रास्ते में मेरे को बोला था कि ना इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, ये सब राहू के काम होते हैं, ओवर एक्साइटेड होगा वो काम नहीं होता है। और मैं इतना एक्साइटेड था, नाम बदलना पड़ेगा, मतलब नाम में भी राहू आ जाता है स्टार्टिंग के 3 लेटर कुछ। अच्छा तब तक मैं खेल लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, पूछ लूँ एक बार। पीठ पे कभी 5 हाथों मुक्का खाया है? पूछने में क्या जाता है, कर रहे हैं भाई डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बोला है कि अगर अभी मेरे को जो मेरा रेंज है उसमें दे दोगे तो मैं अभी फुल कैश इन हैंड अभी लेकर चला जाऊंगा दूसरा वाला। गाइस फाइनली पेमेंट डन हो गई, अमाउंट तो नहीं दिखाऊंगा बस समझ जाओ, पेमेंट हम डन कर रहे हैं। तो ये तो जो लिमिट था उससे भी बहुत ऊपर का था, बट फिर ये मेरी जो बहन है ये करते हैं सरोजनी से शॉपिंग, तो इसीलिए इसने करवा दिया बार्गेन, मार्केटिंग अच्छी करी, तो बार्गेनिंग करके बहुत कम करवा दिया। ये जब से आया तो उसको यही खेलना है, आपको पता है ये इतनी सी चीज़ एक अच्छे
खासे लैपटॉप के पैसे में आती है कितना 40-60 कितना बताया 60 ये 60,000 की चीज है सोचो 60,000 इतने में अच्छा खासा लैपटॉप आ जाता है बढ़िया गाइस करते हैं श्री गणेश थोड़ा उधर बाहर वो मिल रहा है कवर कवर चढ़ा ले इसके ऊपर हाँ जरूर इतना बढ़िया टॉप एंड इतना रॉ लुक बनाया टफ ने मैं इसके ऊपर कवर चढ़ा क्या भैया मनी मनी कुछ कैसा लगा रोजी अली खेल के बढ़िया दूसरा वाला रखा हुआ ना घर पे ऐसे तेरा ऐस कर दिल बहुत बड़ा है थेफ्ट करने कौन आया है गोली नहीं मार देंगे उसको बिहार में आपका स्वागत है किस्मत खराब होती तो हो जाती है ऐसे मत बोले यार भैया ले ही रहा हूँ मैं नहीं आता बता रहा हूँ क्या बात कर गाइस फाइनली डील है और आप में से कोई अगर नेहरू प्लेस आ रहा है ना तो नेहरू प्लेस से शोरूम आप देख लेना कहीं भी बता दूंगा बजाज हाउस जी फोर बजाज हाउस भैया आपको मिलेंगे मेरा नाम ले लेना तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा और रिव्यू भी कर दो आप खुशियों का बॉक्स लेके घर की तरफ निकलते हैं आपका अपना होस्ट दोस्त राहुल यादव लेट्स गो आज खुशी का ठिकाना नहीं है आज तुम्हारा भाई दो बोतल पिएगा मैंगो जूस मज़ा आ गया यार बहुत खुश हूँ बहुत और आज पार्किंग बहुत खाली है तो जो आपके खर्चे हैं सोचो समझो और सही जगह ही उसको इन्वेस्ट करो वहाँ लगाओ जहाँ को कल को आपको 1:10 बन के आ सके वो क्या करेक्ट टाइम पर हम देखो मम्मी पूजा कर ही रही थी लैपटॉप की भी पूजा करवा लेंगे आओ बारो मारे लैपटॉप जी कौन सी कंपनी का ये आसुस ये कैसी कंपनी है डंकी लेता कोई जैसे जैसे एप्पल एप्पल का कौन सा लेता कौन सा वेरिएंट अच्छा है और सैमसंग मेरा सैमसंग का नंबर है मेरे को साथ मुझे फोन कर सैमसंग आया था बहुत साल पहले डेल एचपी और फिर लेनोवो क्या बोला तूने कौन लेनोवो हैं एसर बोल ले लेनोवो क्या होता है लेनोवो होता है देख लिया गाइस वुमन भाई इसने इसका प्राइस बताया मम्मी पता है सेल्समैन ने इसका प्राइस बताया दी बार्गेन करते 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 कितना बार्गेनिंग किया ये हां बार्गेन करके कम करवा लिया उसको उसको पता है क्या बोला कि मैं देखो भैया ये रेट लगाओगे ना अभी पैसे ट्रांसफर करूंगा और अभी लेके जाऊंगा 2 मिनट में वो बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी है काम करो इसी रेट पे दे दो कितना कम करवाया ये करवाया 2-4 वही 5,000 करीब तो फिर इसकी वो है ना वो बनवाया ना क्या कहते हैं उसको नहीं 5,000 कम किया ना तो वारंटी कुछ नहीं दिया बोले टूटेगा फूटेगा ना तो भी हमारे लेना देना नहीं है हाँ सच बता हाँ तो गाइस आपको इस कैटेगरी में नहीं रहना इस कैटेगरी के लोगों को बेवकूफ कहा जाता है ऐसे मार क्यों काम कर रहा है यार इसका स्नैप पे चल रही है शो ऑफ करता है क्या तू चली जा सिस्टम है का भाई तेरा बना देता हूं उस पर टीका लगा दो जो टीका लगाते हैं उसको पैसे मिलते हैं मैं लगा दूं अच्छी लगे बिन उंगली की जिंदगी भर रहेगी ऐसा हाथ कैसा लगेगा बटन दबा के लैपटॉप ऑन करो दिस वन तुमने ये देखी पहले ये लाइट जली फिर ये कीबोर्ड में लाइट देख नीला नहीं रंग बिरंगा आरजीबी लाइट है गाइस आरजीबी लाइट अब हम क्यों लेंगे
पैसा बचाएंगे और इसका वाला यूज करेंगे। कर लो यूज, जा पुराना वाला। क्यों, इसने कुछ तो किया है। खाली करके दियो वो। क्यों ऐसा क्यों दिखा रहा है उसको? बेच के 1 टेराबाइट का एचडी कार्ड लेके आऊंगा मैं। अब 4000 तुझे बेच देंगे, समझ गया तू? लैपटॉप ले लिया। अब तक देख के क्या लग रहा है कैसा होगा? ये मत कहना लैपटॉप जैसा होगा। नहीं बेटा, अच्छा होगा। गाइस पूजा भी हो गई, श्री गणेश भी कर दिया, लाइट रंग बिरंगा लाइट जलता है इसमें। चिन्ह के बड़ा बेटा वो छोड़ो, वो मत पूछो। नहीं क्यों नहीं? नहीं बेटा, सरदर्दी खत्म हो गया ना 10 साल की या 5 साल की। अरे कितने सालों साल की खत्म हो गई? हाँ तो बस मैं उससे जो इसपे स्विच किया है ना, मैंने इतना फास्ट अजीब सा लगता है मेरे को देख के, गुदगुदी सी हो जाती है। इतना तेज क्यों चल रहा है? कैसा लगा आपको लैपटॉप? बहुत अच्छा है। तो गाइज यहाँ कर रहे हैं अपना लैपटॉप सेटअप। सबसे पहले तो हमने लगाया है ये देखो GTA 5 इंस्टॉलेशन पे, इसको करते हैं इंस्टॉल। हो तो जाना चाहिए, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि 117 GB का गेम है, नॉर्मल गेम तो है नहीं। इसने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑलवेज। और यहाँ तक तो यही ले गया है बेचारा, बट हाँ ठीक है, अब इससे आगे बेचारा साथ नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, बट यहाँ तक इसने बहुत साथ दिया मेरे को। मैं बहुत ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं अपना खाली पेन भी क्लास में कभी फेंकता नहीं था, मैं घर ला के ना घर में रख देता, चाहे वो घर में कहीं भी पड़ा रहे। मेरे को ये लगता था ना कि पेन फिर बाद में सोचेगा कि इसने ताले ने यूज़ किया मेरे को अच्छे से, फिर बाद में डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा ऐसा मेरे को फील होता, पता नहीं क्यों। बहुत ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना ऐसा हो जाता हूँ मैं इसीलिए। तो अभी ये यहाँ बेचारा यहाँ बंद पड़ा है, यहाँ पे मैं नया लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, उसको बुरा लग रहा होगा नहीं, इसलिए इसको रूबी दी के कमरे में रख देंगे, ना ये देखेगा ना इसको बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो फिलहाल तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय। एंड कांग्रेचुलेशन लिख देना सब कमेंट में, ठीक है, याद से अच्छे अच्छे ऐसे हार्ट बना के ऐसे ऐसे करके। बाय।